देखिए सूरज के साथ पहचान पुरानी है, बताओ कहाँ दिन कहाँ हुआ? वो तो हमेशा बोले लगी कौन मार छोड़ ले बड़े एज ए हीरो बहुत पुराने पहचान है सच में। बहुत पुरानी पहचान है। स्ट्रगल पीरियड में थे तब एक सेट पे हमसे मिले थे भैया, उसमें मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहा था, तो वहाँ से मेरी पहचान बनी और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू काम करते गए। जब मेरे पास वो लेबिलिटी मिली संजय भैया के थ्रू कि नहीं पिक्चर हम लोग को करना है सेल्फ, तो मैंने बोला कि गार्जियन बड़े भैया को भी बुलाया जाए, तो उन्होंने बोला किसे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि राहुल श्रीवास्तव जी मेरे बहुत दिन से कनेक्ट में हैं और वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो करेंगे, तो नो डाउट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उनसे तो मेरी भी पहचान है। तो मैं बोला तब तो अच्छी बात है, सुने पे सुहागे वाली बात है। तो उस समय से फिर कंटिन्यूटी हम लोग की जुड़ गई। सिर्फ एक फिल्म बीच में छूटी है जिसका नाम है किन्नर, वो अदर प्रोडक्शन हाउस। हाँ, अदर प्रोडक्शन हाउस था और उसमें भी आपको ऑफर किया था। ऑफर किया लेकिन मैं दूसरा शूटिंग कर रहा था, छोड़ कर नहीं आ सकता, किसी को धोखा नहीं देना था। मैं उसमें तीन ठक कर रहा था, गुंजन सिंह की पिक्चर थी, दिनेश यादव की, तो मैं वो कर रहा था, उसको छोड़ के आना संभव नहीं था। तो करियर बड़ा वो खराब लगता है, बदनामी होती है उससे। तो अभी मैं एक ही चीज बोलूँगा कि एक कॉमेडी, हालांकि मशहूर तो कॉमेडी से इनका एक पहचान है, पुख्ता पहचान है इनकी, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस वगैरह काफ़ी अच्छी और तगड़ी है। मैं एक पिक्चर कर रहा था सूरज दिग्विजय, तो उसमें बातें चल रही थी, तो इनके लिए कैरेक्टर था उसमें कॉमेडी, तो मैंने बोला कि भैया आप कॉमेडी ना करके कुछ और भी कर सकते हैं क्या? तो बोले क्यों नहीं कर सकता, मैं तो आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस समय डायरेक्टर जी जो थे और राइटर तो और भैया भी थे अपने संजय जी, तो मैंने बोला कि इनके लिए कुछ अजूबा करवाते हैं ना, अच्छा लगेगा। तो इनको नहीं बताया गया, मैंने भी नहीं बताया, हाइड रखा। उसके बाद लास्ट टाइम एट अ टाइम ऐसा सीन आया, इन्होंने देखा कि मेरा कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर कॉमेडी है ही नहीं, मैं तो कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ, कॉमेडी है ही नहीं, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। तो इन्होंने बोला ये क्या मामला है? मैं बोला सरप्राइज है, आप करके दिखा दो, और माइंड ब्लोइंग काम किया उसमें। एज ए विलेन, एज ए विलेन मतलब एक कॉमेडी आर्टिस्ट और विलेन, और देखने में सारी चीजें तो मतलब अच्छा लगा मुझे, तो समझ में आया। रेप सीन भी है। कह सकते हैं कलाकार जो होता है कोई भी किरदार। मैं किसी किरदार में बंधना नहीं चाहता हूँ, मैं एक्टर हूँ, थिएटर मैंने बहुत सारा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हर तरीके का मैं करेक्टर उसमें करूँ, कोई भी हो चलेगा। तो मोहब्बत रंग लाएगी को लेकर के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भाई पिक्चर देखिए, सुपर हिट बनाइए जब पर्दे पे आएगी, और मेरा छोटा भाई सूरज को बहुत आशीर्वाद दीजिए। मैं हमेशा बोला हूं कि आगे का सुपरस्टार सूरज, तो हमेशा इंटरव्यू में बोलता हूं कि ये लड़का में इतना टैलेंट है, इतना तजुर्बा, ना तो तजुर्बेकार लगता है आदमी फिल्म से, तो भगवान इसको बहुत तरक्की दे और आप सब आशीर्वाद दीजिए, और मेरा भाई हमेशा बड़े बड़े पिक्चरों में काम करते रहे, और ऐसा नहीं कि सुपरस्टार बने तो हमको छोड़ दे, उस दिन बहुत इसको पीटूंगा और इसके साथ में काम करूंगा। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे आप लोगों ने मेरी पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में जनता में और लोगों में एक अर्धांगिनी से बनाया, तो उस पिक्चर को जितना प्यार दुलार आपने दिया, मेरी जो भी सिनेमा आ रही है उसको वैसे ही प्यार और आशीर्वाद दें। इनफैक्ट मेरी ये सिनेमा आ रही है मोहब्बत रंग लाएगी, इसको भी ढेर सारा प्यार दें और आशीर्वाद दें कि हम लोग आप लोग के लिए अच्छा इंटरटेनमेंट करें और साफ़ सुथरा इंटरटेनमेंट करें, और हमारे गार्जियन, हमारे भैया लोग का और हमारे बॉलीवुड सिनेमा संजय भैया का आशीर्वाद सबका हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और सबको चरण स्पर्श और ढेर सारी शुभकामनाएं इस मोहब्बत की। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जी, सूरज की जितनी फिल्में हैं उसमें अश्लीलता कहीं नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, शुद्ध परिवार के साथ बैठ के आप पिक्चर देख सकते हैं, ये तो 110% सबको गारंटी देगा। एक टेक्नीशियन से भी पूछिएगा आप कि भाई सूरज की पिक्चर कैसी होती है, तो इसकी फिल्में बहुत साफ सुथरी होती है, बहुत मतलब गाना भी बरल कर दे, इसके गाने भी अच्छे होते हैं, और अमन श्लोक भैया तो खैर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतना मेलोडियस उनके बाद मतलब एकाध दो ही हैं जो जिसमें एक अमन श्लोक भी है वो, और इनकी फिल्में आप परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं बैठ करके, एकदम हंसते हंसते पेट फूलेगा, रोते रोते भी आपके आंख में आंसू हमेशा गिरेगा। जी बिल्कुल, घर घर में पहचाने जाएंगे, ये घर घर में पहचाने जाएंगे, अभी भी लोग पहचान रहे हैं, अर्धांगिनी अच्छी हिट पिक्चर है, पहचान रहे हैं, लेकिन एक मुकाम बनाना है, एक मुकाम बनाना है, और मुकाम पाने के लिए
अभी इनकी 7-8 पिक्चर आने वाली है, आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। चलते चलते बॉलीवुड सिनेमा की बात करें, संजय कुमार जी की बात हो रही थी, इनकी जो मैगजीन है विगत 15-16 वर्षों से भोजपुरी सिनेमा की ट्रेड मैगजीन है, अब इनका चैनल भी आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गया, बॉलीवुड सिनेमा जो भोजपुरी सिनेमा के लिए लेके आए, हमेशा प्रयासरत है कि भोजपुरी सिनेमा में जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बॉलीवुड सिनेमा मैगजीन तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी कोई भोजपुरी मैगजीन है भी नहीं, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना, एकलौता मैगजीन है जो एकलौता मैगजीन जी जी जिसको हाँ एक भोजपुरी सिनेमा आता था उस टाइप का, हवा की तरह ही निकल गई, निकल गई सभी, दो तीन देखा था मैं भोजपुरी का मैगजीन आया था लेकिन कुछ बना नहीं। इन्होंने क्या किया, गाड़ कर झंडा रखा मैदान में कि आओ फरिया लो, जिसको फरियाना है, सुख में दुख में खड़े हाँ, थे सब खड़े थे। और मेरा इंटरव्यू इन्होंने फ्री में छापा था वो काफी दिनों पहले, 10 साल हो गया होगा, और इसके लिए धनंजय जी को धन्यवाद। आज फिल्म भी आप फिल्म कर रहे होंगे? वही हाँ, कंट्री फिल्म कर रहा हूँ। और अच्छा है बॉलीवुड सिनेमा जब इन्होंने लॉन्च किया तो बताया कि राहुल जी मैं अपना चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा, अपने साथ जैसा है हम लोग तैयार है, तो मैंने बैट भी दिया था इस फिल्म का। और बहुत मैं चाहता हूँ कि जैसे संजय जी खड़ा हुए हैं एकदम आकाश तक चलते चले जाएं, आगे पीछे कोई न रहे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सिनेमा जो है ये जो नीच चैनल है इसको देखें, लाइक करें, इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, नोटिफिकेशन तो मिलेगा आपको। इसके साथ मैं राहुल श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार। राहुल सर आपका हमारे चैनल स्वागत है, और आज सोनभद्र की खूबसूरत वादियों में आप कर रहे हैं मोहब्बत रंग लाएगी जी, बताएं हसीन वादियाँ और मोहब्बत से भरपूर फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोहब्बत में ऐसा पावर है ना, नाम ही टाइटल है मोहब्बत रंग लाएगी, तो मोहब्बत रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी, क्योंकि हर के ज़िंदगी में कभी न कभी छोटी मोटी मोहब्बत आई है। शादी के पहले, शादी के बाद नहीं, नहीं शादी के पहले की बात बता रहा हूँ, शादी के बाद भी आती है, हाँ शादी के बाद भी आती है, बटुकनाथ बन जाते हैं बहुत लोग हैं पैसे के लालच में, बहुत लोग बुढ़े से भी शादी कर लेते हैं लोग, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत रंग लाने की बड़ी बात है। क्या होता है ना कि बचपन के एक स्कूल का टाइम होता है, स्कूल के टाइम से मोहब्बत पढ़ना शुरू होता है, स्कूल से कॉलेज पे परवान चढ़ता है, कॉलेज तक परवाना चल जाता है, लेकिन उस समय तक बुद्धि इंसानों की नहीं होती है कि हम करने क्या जा रहे हैं, जो मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड उस समय हम लोग नहीं होते हैं, उसी में जो मोहब्बत का गड़बड़ी होती है ना, ये फिल्म से वो मार खाया, वो फिल्म से वो मार खाया, वो ठोकाया, ये बहुत गड़बड़ है। मुझे बचपना याद आ गया। देखिए मैं बोला था ना, मुझे भी बचपना में था मोहब्बत और दिल से मोहब्बत था, तो जब ये पिक्चर मिली मुझे मोहब्बत रंग लाएगी तो लगा कि अरे यार ये टाइटल तो बहुत खूबसूरत है भाई, उसमें मेरा छोटा भाई हीरो है, इसके साथ बहुत सातवीं पिक्चर था इसके साथ में, तो लगा कि अरे मोहब्बत रंग लेके पिक्चर तो करना ही है, किसी भी कंडीशन में करना है, वाह बात ये थी, करना था, तो मैंने सोचा कि हो ना हो कहीं ना कहीं हमसे भी कहीं टच हो कहानी, इससे भी टच हो, क्योंकि मोहब्बत जब रंग लानी है तो बचपन के सारे जो मेरे जुमले थे प्यार वाले सब याद आने लगे। हाँ वही सोच रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन है, हाँ मैं तो मोहब्बत में फेल हो गया और मैंने धोखाबाजी किया, सच्चाई है हमने धोखाबाजी किया, मोहब्बत में फेल हुआ, हमने शादी कर लिया। देखिए हाँ, बिल्कुल ये राहुल श्रीवास्तव भोजपुरी के कॉमेडियन आर्टिस्ट अच्छे लेवल पे हैं और धोखेबाजी करते हैं बचपन से ही। नहीं ये हिंदी फिल्मों में राहुल आपका नाम है और हिंदी फिल्मों में राहुल जहाँ जहाँ कैरेक्टर आया बड़ा रोमांटिक रहा है। हाँ आप अपने तो लाइफ में कितना रोमांटिक रहे और इस फिल्म में कितना रोमांटिक, असल जिंदगी में भी बहुत रोमांटिक हूँ मैं, या पत्नी से प्यार हो, बच्चे से प्यार हो, माँ से, बहन से, या एक्स गर्लफ्रेंड से, एक्स ही कहेंगे उसको। और एक्सेप्ट कर लिए, हाँ बिल्कुल, और मेरा ओरिजिनल नाम कृष्ण राज है। वाह वही बात है।
मतलब राज ही है कृष्ण जी का। मेरी माँ कहते थी कि एक नाम पे बड़ा गंदा असर पड़ल बा, एक नाम रख के बेकार। तो पापा ने बोला कि राहुल भी तो वही नाम है। तो बहुत सारी, एक बार की बात है कि मैं टाइपिंग स्कूल में टाइप सीख रहा था, टेंथ पास किया था मैंने। अच्छा, 93 की बात है, मैं टेंथ पास किया था और उस वक्त टाइपिंग सीखने गया था अपने मोहल्ले चिनियाटर पुल पटना में है, वहाँ पर टाइपिंग सीखने गया था। आधार के अनुसार 93 मेरा बर्थडे है, बताइए। हाँ तो बच्चा होना, रियल 89 है, लेकिन आधार के अनुसार सर्टिफिकेट से 93 मेरा बर्थडे है। नहीं ठीक ठीक है, तुम्हारा 93 मेरा 80 है, अंतर ही है ना, सच छः सात साल छोटा तो हो ही ना भाई। नहीं नहीं, सब मिला जुला के अभी 52 साल के हैं। हाँ 13 साल हो, चलता है इतना, झूठ वैसे बोल रहा, झूठ 93 का नहीं है। एनीवे सॉरी, पटना नहीं, रांची में, रांची में कोकर में हम लोग का, चूंकि मैं पूरे बचपना रांची में बिता, स्कूल पढ़ाई सब रांची में रही, कोकर में एक टाइपिस्ट का इंस्टीट्यूट था, तो मैं इसमें टाइप सीखने जाता था। तो जो लड़की थी ना साथ में सीखती थी, उसका राधा नाम था और मेरी बहन की सहेली थी। पूरा लव स्टोरी उगाड़ दिए हैं अपना। तो हमसे पूछी कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला कि नहीं तुम पहले अपना नाम बताओ। नहीं तुम बताओ, नहीं पहले तुमको बताओ, मेरा नाम तो राधा है। उसने बोला मेरा नाम तो राधा है, तो मैं बोला अब तो अपना नाम नहीं बताऊंगा। और नहीं बताऊंगा, तब तक मैं डायरी लेके जाता था, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी सीखता था मैं, उसमें लिखा था कृष्णदास सहाय। बोले अच्छा, इसलिए नाम नहीं बता रहे थे कृष्णा। वो लड़की दूसरे दिन से मेरे पे लाइनबाजी शुरू कर दी, लेकिन चूंकि बहन की सहेली थी इसलिए मैं उसको कुछ किया नहीं। वो राधा और कृष्ण, हाँ होने लगा। मेरी जिंदगी में बहुत लड़की आई और चली गई, लेकिन आपका प्रेम राधा और कृष्ण वाला ही। हाँ बहुत बहुत, एक लड़की से बहुत प्यार किया, आज भी करता हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी आई ना, पत्नी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और रुकोड़ी बन के आ गई। नहीं नहीं, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, और आज जो मैं खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में, वेरी नाइस, मेरी पत्नी का बहुत सहयोग है। वेरी नाइस, पत्नी के बिना मैं अधूरा, अधूरा से भी अधूरा, कुछ नहीं हूँ, जीरो जीरो बटा सन्नाटा। आज वक्त पे मेरी पत्नी साथ देती है हर चीज पे, जो अगर गर्लफ्रेंड आप जी बना सकता हूँ, बहुत सारी ऑफर आते हैं मुझे लेकिन नहीं, पत्नी जो है, पत्नी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जो पत्नी आपको प्यार दी गई कोई नहीं देगी। बुढ़ापा में कहावत है, मेरी माँ कहती थी कि पास का कुत्ता आपका पालतू कुत्ता, सॉरी पालतू कुत्ता, पास का पैसा और बूढ़ी पत्नी, बुढ़ापे में यही दोनों साथ आपको दे सकती है, बाकी कोई नहीं। आप सब जो ये पूरा एक धुरंधर कलाकार एक साथ जुटे हुए हैं, तो कितना गुल खिला रहे हैं मोहब्बत रंग लाएगी। एक्चुअली क्या है, संजय भाई बहुत पुराने मित्र है मेरे, 15 साल से मेरी दोस्ती है, और इनकी लगभग शायद, मतलब इनके साथ जितने पिक्चर में सब में हूँ, लगभग सभी में, क्या हाँ, लाइनअप वही करते हैं, तो सब में मैं हूँ। तो और यहाँ का माहौल देखिए, पिक्चर का माहौल क्या है ना, कि पिक्चर का जहाँ हम लोग प्यार मोहब्बत से करते हैं, तो एक मिनट, प्यार मोहब्बत से हम लोग पिक्चर करते हैं और बहुत इंजॉयफुल इनके सेट पर होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं, एंजॉय कीजिए, घर जाइए, पैसा लीजिए। एक्टिंग नहीं, नहीं एक्टिंग की तो बात अलग है, वो तो फिल्म बन रही, तो हाँ एक्टिंग में आपका करेक्टर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि उसमें आप जी जाते हैं। इनके फिल्मों में करेक्टर ऐसा ही होता है जिसमें आप जीने लगते हैं, और जितना भी इनके साथ पिक्चर किया है, सूरज के साथ मैंने पिक्चर किया है, सब में करेक्टर अच्छा ही रहा है लगभग, मिला जुला करके। और ये फिल्म तो बहुत रोमांटिक फिल्म बन रही है, और जो जैसे जैसे मुझे डायलॉग मिल रहे हैं पढ़ने को, उससे लगता है कि अमीर गरीब का कुछ नाता है फिल्मों में, जो कि प्यार करना चाहती है, हीरो से प्यार है उसका, और घर वाले करना नहीं देना चाहते हैं। यही तो बहुत अच्छा लगेगा पिक्चर में, मेरा भी घर का करेक्टर एक है, विलन का घर का नौकर हूँ, हीरोइन का घर का नौकर हूँ,
और उसमें दिलबाग सिंह नाम है मेरा, तो अच्छा करेक्टर है इसमें भी। आप प्यार के खिलाफ हैं या प्यार के सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस फिल्म में प्यार के सपोर्ट में हूँ, चूँकि लड़की के सपोर्ट में रहता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, और आप जो है पूरी कहानी मत बताइए। नहीं नहीं, सर ने बोला कि हाँ, सपोर्ट में, इसलिए हाँ, मैंने बोला वेरी नाइस कि मैं, उनका सवाल था तो मैंने जवाब दिया। वेरी नाइस। इसको कट कर दीजिएगा ना। किसका फोन आ रहा है भाई? नेक्स्ट। हाँ, राहुल जी क्या कहना चाहे? किसी का है क्या यार? देखो, सूरज जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। भाभी मुहूर्त और एक और नई फिल्म, अभी रिसेंटली आपने एक फिल्म शूटिंग कंप्लीट की जस्ट, हत्यारा। जी जी, हत्यारा के बाद आप मोहब्बत करने लगे, क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि हत्या करने के बाद आप मोहब्बत में आ गए? क्या बात है, इसका जवाब राइटर साहब खाली होते तो मैं जरूर दिलवाता, लेकिन हत्यारा हत्या करते करते इतना उब गया था कि मोहब्बत की जरूरत पड़ गई। बहुत हुआ मारकाट। हाँ, बहुत हुआ मारकाट, अब इसे मोहब्बत की जरूरत है और मोहब्बत बे इंतहा होनी चाहिए, और ऐसी मोहब्बत हो रही है कि वो रंग लाएगी। अभी मोहब्बत काजल के साथ। मोहब्बत काजल के साथ। कैसे क्या कहना जो आपको काजल यादव की जोड़ी है? फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड हैं, काम अच्छा कर रही हैं, छोटी छोटी जो बारीकियां होती है उसको ऑब्जर्व करके काम कर रही हैं, और अगर हम लोग ने सीन किया आज तो काम अंदर चल रहा है, और मेरा काम तो है नहीं, तो सोचे कि आपसे रूबरू ही हो जाए। थैंक यू। काम अच्छा कर रही हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं। जैसे कि अक्सर फिल्मों में आपको जो है एक्शन करते हुए देखा जाता है, लेकिन जैसे रोमांटिक फिल्म नाम से ही पता चल रहा है, प्यार मोहब्बत से भरपूर है, लेकिन प्यार मोहब्बत के बीच में जब कुछ रुकावटें आती हैं तो हीरो को भी उग्र होना पड़ता है, मार धाड़ ये वो मोहब्बत को जीतना है, इन सब जी जी इन सब चीज़ों में रामचंद्र जी जो राइटर हैं अर्धांगिनी के, वो तब से अब से लेकर जो लिखते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से संजो कर, मतलब एक जैसे धागे में मालों को संजोते हैं ना, पिरोते हैं एक एक करके, तो मोहब्बत मोहब्बत के बाद जो उतार होती है, चढ़ाव होती है, तो हर फिल्म में कॉन्सेप्ट के अनुसार वो अलग अलग चीज़ों को, कहानी को, एक एक दृश्य को बड़े बारीकियों से सजाए हैं, और इसमें भी उन्होंने सजाया हुआ है बारीकी से कि एक मोहब्बत होती है जो रंग लाने के लिए किस समा तक जाती है, और एक जलता हुआ आशिक है वो क्या क्या कर सकता है उसके लिए, तो वो उसमें देखने को मिलेगा आपको। जी, तो मोहब्बत की बात होती है तो रियल लाइफ में आपने मोहब्बत किया है? अपनी पत्नी से किया है, मतलब मैरिज किया है, अपने बच्चों से करता हूँ, उससे पहले तो मोहब्बत नहीं किया, माँ बाप से करता हूँ, बच्चों से करता हूँ, और जम के मोहब्बत किया है, बेइंतहा करता हूँ, आज भी करता हूँ। रियल लाइफ का जो मेरा कैरेक्टर है वो आप भी मुझे अर्धांगिनी से ही जानते हैं तब से लेके आज तक, और रियल लाइफ में जो मेरी अर्धांगिनी है उन तक मैं सीमित। अर्धांगिनी में आप दो बीवियों के फेर में पड़े थे, हंसे हुए थे कह सकते हैं। जी 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 जी। तो कैसे निकले उस पब्लिक ने देखा? जी जी जी। यहाँ भी एक और मैडम बैठी हुई है, तो कहीं आप यहाँ भी इनसे इंट्रोड्यूस तो मैं अभी हुआ नहीं हूँ। आई होप इस हाँ और अच्छा अच्छा एट अ फर्स्ट टाइम हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे, जो भी कैरेक्टर है इनका आई डोंट नो, बट उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, पहली बार मैं भी मिल रहा हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? खुशबू विश्वकर्मा। खुशबू विश्वकर्मा जी, वेलकम है आपका। हम भी पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं। जी जी जी, देखते हैं क्या होता है, अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही होगा, नो डाउट अच्छा ही होगा। हाँ, सूरज जी बात करें फिल्म के जो डायरेक्टर साहब कुमार चंदन जी, बड़ा प्यारा नाम कुमार चंदन जी जी, क्या कहना चाहे उनकी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, उनके बारे में तो एक ही चीज़ कहूँगा कि उनके मतलब डायरेक्शन डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट मैं उसी टाइम से जुड़ा हूँ, अर्धांगिनी से ही, देन बहुत सारी सिनेमा उनके अंदर किया, लेकिन सेल्फ में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सेल्फ में उस समय भी वो अपने काम को लेके उतना ही मतलब एग्रेसिव और उतना ही उनके अंदर समर्पण था, और आज देख रहा हूँ कि सेल्फ हैं और सारी चीज़ों को छोड़ के वही चीज़ें, मतलब वही एनर्जी, वही चीज़ें मेंटेन करके, और एक चीज़ इनका नाम जुड़ गया है कि भाई ये सेल्फ कर रहे हैं, तो मैं तो दुआ करूँगा कि इनकी ये फिल्म अच्छी जाए और लोग इनको
बतौर निर्देशक के मार्केट में आ रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। वैसे चंदन जी को हर कोई जानता है, इनका कटिंग, इनका स्टाइल मैं भी जान चुका हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन जो है ना वो मजबूत हो चुका है करते करते, तो मुझे मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में। स्टार्टिंग से ये मेरे काफ़ी प्रिय रहे हैं यहाँ पे। संजय कुमार जी की बात कीजिए, बॉलीवुड सिनेमा के संपादक जी हैं और इस फिल्म के ईपी हैं, पूरा मेकिंग का, पूरी यूनिट की सारी जिम्मेदारी शूटिंग का इन्होंने लिया हुआ है, तो संजय कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया के बारे में तो एक ही शब्द कहते आता हूँ मैं, गार्जियन है इंडस्ट्री में, तो सब लोग जानते हैं मेरे। और चूँकि इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वहाँ से लेके आज तक साथ में है, तो एक गार्जियन है तो देख रेख में रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रोजेक्ट है उनके अंतर्गत ही बनती है, और वो काफ़ी मतलब सीरियसली और लिटली लेते हैं इन सब चीज़ों को कि चलो अच्छा हो जाएगा, इनफैक्ट अच्छी हो भी जाती है आप लोग के प्यार से। उनके बारे में क्या कहूँ, कोई निःशब्द हूँ मैं सच में निःशब्द हूँ मैं। और जो फिल्म का जो मेकिंग हुआ, जो बैनर है न्यूसू एंटरटेनमेंट, जी जी, तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात करें, बैनर बारे में बात करें, तो किस तरह से फिल्म शायद उनकी इस बैनर पहले पहले जी 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 इनके उनके बारे में ज़्यादातर आइडियाज नहीं है कि इससे पहले कोई मूवी जाई हो, इस भैया बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि एट अ फर्स्ट टाइम है और बड़े कैनवास पे कर रहे हैं। सारे आर्टिस्ट हैं, हम हैं, खुशबू जी या फिर काजल जी, संजय पांडे जी, अयाज खान, के सर, मतलब कैनवास अच्छा है और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी तगड़ा है। एक चीज़ उनका अच्छा लगता है मुझे, जब डिस्कशंस होती है ना तो एक एक चीज़ को काफ़ी मतलब बारीकी से समझाते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार सामने से कोई तो प्रोड्यूसर बोल रहा है कि भाई आप आर्टिस्ट हो और मैं आपको काम करने के लिए यहाँ पे बिठाया हूँ, तो मुझे एक काम करके मुझे दो, तो अच्छा लगता है कि चलो भाई मांग रहे हैं दे दो। अच्छा लगने वाली बात की जाए तो सोनभद्र रॉबर्ट्स जी, अभी हम दे आ रहे थे रास्ते में, पहाड़ी हरियालियाँ वादियाँ, लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में हैं, क्योंकि हम लोग मुंबई और यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ये इसका ना सारा क्रेडिट एक यहाँ पे आईसी मौर्या जी हैं, आईसी मौर्या भाई इधर ही टल हैं, तो उन्हीं को जाता है बिकॉज ये आईसी मौर्या जी हैं, यहाँ के मतलब सारे देख रेख इनके ही अंतर्गत जाती है, और यही यहाँ पे हम लोग को शिफ्टिंग की है कि आप लोग बनारस न करके, वहाँ पे भी लोकेशन अच्छे हैं लेकिन भीड़ भाड़ इलाका था, तो उन्होंने कहा कि चलिए सोनभद्र चलते हैं, थोड़ा शांति रहेगा, तो नो डाउट इसका सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और ये जो बारिश का मौसम है, हरी भरी वादियाँ हैं, कर रहे हैं, देखिए शूट आज मेरा नहीं है, मैं भी निकला था मॉर्निंग में घूमने के लिए, इनफैक्ट शाम को भी निकलूँगा घूमने के लिए, लोग बोलते हैं कि ये मिनी मुंबई है, तो उसका आनंद तो लेना ही है, और दार्जिलिंग भी कहा जाता है, हाँ ऐसा भी कहा जाता है, तो उसका आनंद तो लेना ही है, तो पैकअप से पहले या पैकअप के बाद हम लोग तो आज फ्री हैं, तो घूमेंगे इसको, इंजॉय करेंगे जम के। अकेले करेंगे कि और कोई साथ? आपके साथ करेंगे मैडम जी, जो है पहली मुलाकात है तो यादें ताज़ा नहीं करेंगे? खुशबू जी हैं, ये शूट करेंगी, ये शूट करेंगी। अर्धांगिनी के बाद लॉकडाउन लगा, रिलीजिंग पे मेरी है, किन्नर है, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, सूरज दी रिवेंजर, हत्यारा, दिल तुझको पुकारे, हमदर्द, ये सिनेमा सारी मेरी पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल है, इनफैक्ट कोई सिनेमा जो है सेंसर में भी है, और सारी सिनेमा अक्टूबर देन नवंबर तक रिलीज होगी, और ये भी चली जाएगी दिसंबर में फ्लोर पर चली जाएगी, 6-7 सिनेमा है जो रिलीज होगी। नाम टाइटल अनाउंस नहीं करूंगा बिकॉज वो सब रजिस्ट्रेशन में है, अभी कंफर्मेशन लेटर मिला नहीं है, 2-3 सिनेमा है अभी जो, इनफैक्ट आज या कल में एक सिनेमा है, भैया ऐसा सुनने में आया है मुझे कि संजय भैया कोई मुहूर्त करने वाले हैं, तो वो भी जाएगा। जी अच्छा भैया, एक होता है कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार के पहले एक टाइटल होता है, जी तो आप अपने आगे कौन सा स्टार लगाना चाहेंगे? बस पब्लिक का प्यार मिल जाए, मैं अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ ना ही हीरो समझता हूँ, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊँ, एक अच्छा एक्टर बन जाऊँ, और मेरी एक पुख्ता पहचान हो मेरे काम से, बाकी जनता है, जनार्दन है, वही भगवान है, जो कह लेगी मैं मान लूँगा, कोई ये नहीं है कि मैं स्टार हो जाऊँ, सुपर स्टार हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, कुछ नहीं है ऐसा, बस एक पुख्ता आर्टिस्ट हो जाऊँ, वो मेरे दिल में है कि मैं एक्टर हो जाऊँ। अपने फैंस और दर्शकों से वही कहेंगे जो सब कहते आ रहे हैं कि मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी पिक्चरें जो आ रही हैं अभी उसको आप लोग अच्छा रिस्पांस दें, अर्धांगिनी की तरह जैसा मेरा पहचान बना इंडस्ट्री में, आप लोग के बीच में 10 ही लोग जानते हैं उसी पिक्चर से जानते हैं, सो कोई ये न हो, और मेरी सारी सिनेमा को आप लोग ढेर सारा प्यार दें, और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कंटिन्यू अच्छा करूँ, हार्डवर्क करूँ,
हार्डवर्क आप लोग के लिए स्टार्ट भी कर दिया हूँ, कुछ लॉकडाउन में बॉडी वॉडी ये हो गया था तो हार्डवर्क करूँ और उसके बाद आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट एक्टर बन के आऊँ। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। मेरी शुभकामनाएं संजय जी के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रिंट मीडिया में अपना एक स्थान बनाया है और एक कंटिन्यूटी बना के रखी है, सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी बनाना। आप लगातार आपने रखा है, कितनी दिक्कत हुई होगी इनके साथ वो यही जानते हैं, वरना दिक्कत नहीं होती तो मैगजीन्स बंद नहीं होती ना, फिर तो और बढ़ती। अगर सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा होता तो मतलब वो नुकसान भी ये झेल रहे होंगे कि इनको एक मैगजीन चलाने में कितना नुकसान हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। उसके बाद भी अगर ये गतिशील है अभी तक, कंटिन्यूटी इनकी कायम है, तो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया में भी ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि माध्यम वही है, दोनों बात वही पहुँचानी है अपनी दोनों लोगों तक। ऐसा नहीं कि ये राजनीति में चले गए, माध्यम इनका वही है, बस फर्क हुआ कि ये प्रिंट से अब डिजिटल मीडिया पे आ गए। मुझे लगता है ये बहुत बेहतर संभाल लेंगे इसको, इनका अपना तजुर्बा है। इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे विजिट करें, हॉलीवुड सिनेमा भोजपुरी कनेक्ट को शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करें। प्लीज़ हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएँ और लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। मुझे लगता है आपको भोजपुरी से रिलेटेड बहुत सारी फिल्मों से की जानकारियाँ, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही एक खदान है, इनके मैगजीन पढ़िए तो ये बहुत अच्छे से निकालते हैं इनकी मैगजीन। मुझे कॉलम बहुत अच्छा लगता है जो वो हिंदी फिल्म से आप लेते हैं ना, कुछ पुराना कुछ फ्लैशबैक लगाते हैं, पुरानी यादें। मैं बाकी तो न्यूज़ होती हैं जो हमको आधी पता होती है क्या है, मैं उनकी मैगजीन में सिर्फ वही कॉलम पढ़ता हूँ और इनका एडिटोरियल पढ़ता हूँ, इनका एडिटोरियल, और वो मैं ढूंढता हूँ कि वो पन्ना कहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें ये बहुत से इतिहास की हिंदी फिल्मों की बहुत जानकारी। मुझे लगता है आप इसमें आपको उस कॉलम चलाना चाहिए कुछ बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड से नहीं है यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे चलाएंगे उसको भी, जो आप बनाएंगे ना तो वो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा उस तरीके से। तो हम सब की शुभकामनाएं हैं और पूरी इंडस्ट्री इनके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है और हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए और ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि ये बहुत बड़े बड़े और भी इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे ये जाए और अपना जो भी एक लास्ट टारगेट होता है वहाँ तक अचीवमेंट करें। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि बॉलीवुड सिनेमा जिस तरीके से आज कार्य कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, आने वाले टाइम में ये भोजपुरी स्टो हिंदी वगैरह के लिए भी काम करें और काफ़ी हाई लेवल पिच पे जाएं। और जैसे आज मैगजीन को हर कोई जानता है, भैया ने सही बोला कि कितनी दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़े होंगे, मैगजीन को आगे ले जा रहे होंगे, वैसे ही चैनल को भी आगे बढ़ाएं आप लोग, मैगजीन तो जा ही रही है। सो प्लीज़ वन टाइम विजिट करें यूट्यूब पे, देन बॉलीवुड सिनेमा और भोजपुरी कनेक्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। लव यू। संजय भैया को मैंने बधाई दे दिया है और फिर एक बार पुनः बधाई देता हूँ, दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि भैया जो है आगे बढ़ें और ऐसे ही जो है अपने उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम रोशन करें। इतनी बधाइयाँ मिल रहे हैं और आप विगत कई सालों से, डेढ़ दशक से ऊपर हो गया आपको मैगजीन चलाते हुए, ढेर सारी मैगजीने आई और मैगजीन आप लेके अभी भी चल रहे हैं, सफर कर किसी भी चार दिन चलते भी आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये संघर्ष तो मैंने किया ही है और अभी भी संघर्ष जारी है। मैं चाहता हूँ कि और कुछ मैगजीन को और कुछ और लेवल पर लेके जाऊँ, साथ साथ मैंने डिजिटल जो चालू किया है इसे भी मैं उसी तरह लेके चलूँगा और हमें पूरा विश्वास है, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारा परिवार है और सब लोग का सहयोग भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत क्या बात, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भैया। मैडम आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आपका नाम और आपके चैनल? नमस्कार, मैं खुशी विश्वकर्मा और क्या बोलूँ मैं, पूछिए। आज आप कहाँ पे हैं, कौन से सर? आज हम सोनभद्र में शूट कर रहे हैं, अभी जगह का नाम तो मुझे अभी नहीं पता है क्योंकि आज हम सुबह ही आए हैं और इतना ध्यान तो दिया नहीं है मैंने, बाकी शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, क्या रोल कर रही हैं इसमें? मैं सेकंड लीड निभा रही हूँ।
सर हीरो का तो अभी पता नहीं चला है मुझे। ये हीरो के बारे में नहीं, मतलब ये तो हीरो है ही है, बट मुझे बोला गया कि आपके एक और हीरो हैं। अच्छा, तो ये तो हम, ये है, ये तो हमारे पर ये किसी और के हीरो हैं सर। अभी मैं अपने आप पे नाम नहीं लगा सकती ना सर, ये किसी और के हीरो हो चुके हैं। अपना हीरो नहीं बनाएंगे आप? सर मैं तो बनाना चाह रही थी पर वो किसी और के हीरो बन चुके हैं। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे मुझे अपनी हीरोइन। ऑन स्क्रीन सर, ऑफिशियली ऑन स्क्रीन, ओनली ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन मतलब एक दोस्त हो सकते हैं। वही ना मैडम, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, फिल्म के डायरेक्टर के साथ भी मैं पहली बार काम कर रही हूँ। हाँ, कुमार चंदन जी के साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते सर। जो पूछूंगी हाँ सीधा से जवाब, उसके बाद वो कुछ नहीं, मतलब कुछ और नहीं बोल देंगे, बस अच्छा लग रहा है काम करके। आप रियल लाइफ कितनी शांत है और कितना चुनौती स्वभाव है सर, आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत ज़्यादा नटखट हूँ मैं, मतलब बट यहाँ शांत बैठी हूँ थोड़ा सा, लग रहा है कि नटखट ही होंगे। बहुत ज़्यादा ही नटखट हूँ, घर पे फैमिली जानती है, बाकी बाहर तो अच्छे से एकदम, मैं बहुत सीधी हूँ। हाँ, नहीं जाने दूंगी मैं, शांति से बैठी रहती हूँ। जब मन नहीं मानते तब बोलती रहूँगी दादा, यार दादा, मतलब बोलते रहते, जो भी चीज़ें बोलती रहती हूँ। इसके पहले मेरी आई है मूसा भाई, सेकंड लीड गौरव झा, इसमें तनुश्री जी हैं और सेकंड लीड मैं हूँ। और भी आई हैं, आइटम सॉन्ग हैं, दो तीन आइटम सॉन्ग किए हैं, और सेकंड लीड्स अभी यही फर्स्ट लीड सेकंड लीड यही चल रहा है। मैं हिंदी में कि भोजपुरी में? भोजपुरी में। हीरो में कि हीरोइन में? हीरो में तो पवन सिंह जी, हाँ वही हमारे सलमान खान हैं। और हिंदी में? हिंदी में सलमान खान ही है। हीरोइन में? हीरोइन में तो सबसे ज़्यादा रिंकू घोष जो है ना, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी एक्टिंग, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर उनको ही फॉलो करके चलना चाहती हूँ। रिंकू जी के बाद अमरपाली जी। हिंदी में तो प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब ऐसे पूछेंगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है सर, बस फेवरेट फेवरेट मैंने बताया है आपको। आगे तो अभी सर दो फिल्मों का नाम अभी जस्ट हुआ नहीं है, मतलब कि मुहूर्त होने वाला है तो अभी कुछ मुझे बताया नहीं गया है। वैसे दो फिल्में हैं मेरी नेक्स्ट मंथ, एक नेपाल में है और उसका नाम मुझे अभी तक बताया नहीं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कुछ चीज़ के लिए। जी, आप कहाँ से हैं और फिल्मों में कैसे आना हुआ? सर फिल्मों में तो बचपन से ही आना चाह रही थी, और प्रिपेयर लखनऊ से हूँ, बाराबंकी, और रहती हूँ बॉम्बे में। बस ऐसे ही आना हो, ऐसे ही क्या, बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे हीरोइन बनना है। बहुत डांस में, मतलब डांस में बहुत मन था, मुझे ये करके दिखाना है, ये करके। मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा का, तो आई लव यू मेरी मॉम। मेरी मम्मा हमेशा मेरे साथ रहती हैं, जो भी कुछ हूँ मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ यहाँ पे। जी, दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही मुझ पे बरसाइए, और सर पे भी बरसाइए कि आगे बढ़े। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी जो आप लोगों के लिए, तो अपना ऐसे ही हमें प्यार और दुलार और आशीर्वाद तो ज़रूर दीजिए कि बस आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा से अच्छा से अच्छा करके लेकर आएँ, और आप लोग ऐसे ही पसंद करते रहिए हमें। थैंक यू सो मच, नमस्कार। बात करें जो है, जैसा कि हमारे है और भव्य मुहूर्त के साथ साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम और आपको धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। सच में मुहूर्त के साथ यहाँ पे सोनभद्र में हम लोग शूट कर रहे हैं, आने वाली हमारी फिल्म जो है मोहब्बत रंग लाएगी। मज़ा आ रहा है, एट अ फर्स्ट टाइम सोनभद्र में शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग कोऑपरेटिव हैं, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट अच्छा लग रहा है। हमारी टीम है, भैया हैं और संजय भैया भी हैं, तो आज सेकेंड डे है, बहुत मज़ा आ रहा है। किरदार की बात की जाए तो क्या भूमिका है? किरदार की बात कीजिएगा तो डिफरेंट है, मोहब्बत रंग लाएगी, जहाँ एक लव स्टोरी टाइटल है,
तो हर फिल्म से डिफरेंट है। इसमें भी कहानी चूँकि ओपन नहीं कर सकते थोड़ा सा, लेकिन कैरेक्टर बहुत हैं, स्ट्रॉन्ग है और डिफरेंट है। जैसा स्टोरी है, टाइटल है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी है मेरा। और सेकेंड टाइम आमना सामना, थर्ड टाइम और अजिया से, और बहुत ही काफ़ी एक दूसरे के अपोजिट हार्ड वर्किंग भी है, मतलब मज़ा आएगा। अभी तो आज दूसरा दिन है फिल्म का, मैंने तो टाइटल बहुत प्यारा लिया है, मोहब्बत रंग लाए, बहुत खूबसूरत है और कास्ट बहुत अच्छी है फिल्म की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है फिल्म में। कास्टिंग बहुत प्यारी है, सूरज बाबू हैं इनके साथ तीसरी फिल्म में, और मैं हूँ, अयाज खान है, पप्पू यादव जी हैं, के सर हैं, आनंद मोहन जी हैं, अरे बाप रे, आनंद मोहन जी हैं, आनंद मोहन के सर, के गोस्वामी जी हैं, काजल यादव, काजल यादव हैं, और अपने राहुल श्रीवास्तव हैं। ये सारी टीम बहुत अच्छी है, जो कहानी को अपने कंधे पर कास्टिंग ही लेके चलती है। तो और डायरेक्टर हमारे चंदन कश्यप, बहुत, मैं चंदन के साथ शायद पहली बार काम कर रहा हूँ, चंदन एसोसिएट रहे हैं तब किया है, वो जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं मैंने काम नहीं किया। उनकी इंडिपेंडेंट पहली है, पहली फिल्म है, पहली है नहीं, अच्छा हाँ, तो चलिए इत्तेफाक है, अच्छा ही कि चंदन की भी पहली फिल्म है। तो चंदन बहुत टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, और अच्छे निर्देशकों के साथ काम किए हैं तो उसका असर उनके निर्देशन पर दिखता है। जी जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। फैमिली से लेके अब तक लगातार फिल्में कर रहे हैं सूरज जी, एक अलग पर्सनैलिटी है, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, किस रूप में ये बड़े सितारे बन सकते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि मैं इस, ये जो सब टाइटल एक्टरों के साथ है, मैं उसके बड़ा खिलाफ हूँ। वेरी नाइस, ये कौन देते हैं ये टाइटल, मुझे वो लोग मिले ना तो मैं जमाल घोटा खिला दूँ। ये कौन पीआरओ है, ये कौन उनके चमचे हैं जो उनको ये फालतू का टाइटल देते हैं? हिंदी फिल्मों में टाइटल बहुत काम करने के बाद मिलता था। एंग्री यंग मैन भी अमिताभ बच्चन साहब को मिला तो बहुत बाद, जंजीर के बाद दिया गया। सच्ची धर्म जी को ही मैन बोला जाता था, और ट्रेजेडी किंग हमारे दिलीप कुमार थे, तो दिलीप साहब ने वैसा किया था, देवदास जैसी फिल्म की थी जिसको देख के लगता था कि हाँ यार ये ट्रेजेडी किंग है, ट्रेजेडी क्वीन थी मीना कुमारी, और किसी को ऐसा टाइटल नहीं दिया गया। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी हो गया है कि अगर आपके नाम के पीछे एक सब टाइटल नहीं होगा तो आप हीरो नहीं हैं। अब नाम टाइटल के नाम नहीं लूँगा नहीं तो बहुत सारे हीरो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और मुझे फिल्में सबके साथ करनी है। उन हीरो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉस एक्टर अच्छे बन जाओ यार, सब टाइटल से कुछ नहीं होता है, ये सब टाइटल से फिल्म वालों को पता होता है, पब्लिक को कुछ नहीं पता होता। पब्लिक तो इतना जानती है कि निरहुआ है, ये खिसारी है, ये पवन है, ये सूरज है, बस वो इतना ही जानती है। पब्लिक टाइटल जानती भी नहीं है, टाइटल तो हम इंडस्ट्री वाले ही जानते रहते हैं, फलाना स्टार, ढिकाना स्टार, स्टार सुपर स्टार, हाँ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, ये पता कर रहा हूँ ये कौन लोग हैं जो नाम देते हैं इनको, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सिने स्टार, फिल्म स्टार तो होती है, ऑलरेडी स्टार है यार, स्टार के पीछे भी एक नाम, स्टार तो एक ही होता, ध्रुव तारा, तारा तो एक ही है यार, ध्रुव तारा। अब उसमें आप जोड़ दे फलाना तारा, ढिकाना तारा, ढिमका तारा, इमका तारा, बक सर एक और टाइटल बात कर, एक्शन वाला ज्यादा लोग पसंद करते हैं, एक्शन सम्राट, एक्शन किंग। एक्चुअली ये हमारा साउथ का प्रभाव है हमारे ऊपर, वरना जिन लोगों ने एक्शन के दम पे हिंदी फिल्मों में, किसी हीरो ने राज नहीं किया आज तक, इतिहास उड़ा के देख लीजिए आप। अक्षय कुमार जब तक एक्शन करते थे तब तक उनकी फिल्में फ्लॉप थी, जैसे ही वो कॉमेडी में आए हेरा फेरी से, और उन्होंने किरदार को पकड़ना शुरू किया, लाइन से हिट है। आप गोविंदा को एक्शन स्टार कहेंगे, वो इतने बड़े एक्टर, बच्चन साहब एक्शन स्टार है, शाहरुख खान एक्शन स्टार है, आमिर खान एक्शन स्टार है, अजय देवगन एक्शन स्टार है, क्या शुरुआत की थी उन्होंने एक्शन से, बाद में उनके किरदारों को याद किया जाता है, परफॉर्मेंस को याद किया जाता है। तो ये गलत फहमी है हमारे भोजपुरी हीरोज़ की,
ये साउथ का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। और अब तो चूंकि सिनेमा डिजिटल के लिए बन रहा है, सैटेलाइट के लिए बन रहा है, टीवी के लिए बन रहा है, तो एक्शन हमारी फिल्मों में अब सिर्फ दाल में नमक बराबर है। मुझे लगता है पहली फिल्म इनकी जो अर्धांगिनी थी उसमें बड़ा इमोशनल ट्रैक था इनका। हाँ, दो अच्छी हीरोइनें थी, अंजना जी और शुभी जी। एक्शन उतना था इनका कि हाँ लोग देख लें कि हाँ सूरज सम्राट एक्शन भी कर लेते हैं। अच्छा किया था एक्शन सूरज ने। मैं एक एक्शन में तो मैं मतलब लड़ नहीं रहा था मगर मैं था, बट इमोशनल सीन भी अच्छे किए थे सूरज जी ने। आपको एक्टर अच्छा बनना पड़ेगा, फाइटर नहीं। सूरज जी के लिए क्या कहना चाहिए? सूरज में सेंसिबिलिटी है, सेंसिबल एक्टर है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और एक्टर जैसे जैसे अच्छे अच्छे निर्देशकों के साथ काम करता है उसकी स्कूलिंग अच्छी होती है, वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है। मेरी यही सलाह इनसे कि अपना सीखने वाला ढक्कन खुला रखें, वो जिस दिन बंद हो जाएगा खेल खत्म। तो इनमें सीखने की इच्छा है, बात तो सुनते हैं और नो डाउट एक्शन बहुत अच्छा करते हैं, इमोशनल सीन भी अच्छा करते हैं। और अभी तक ऐसा इनमें वो कलर चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, जो बहुत जल्दी एक्टर में चढ़ जाता है। संस्कारी हैं, सम्मान देते हैं अपने सीनियरों को, तो एक अच्छे अभिनेता के गुण हैं और एक बहुत अच्छे अभिनेता बनने की वो दिख रही है संभावना। थैंक यू। लैंग्वेज इनकी अपनी इनकी लैंग्वेज है और माशाल्लाह चेहरा खूबसूरत दिया है ईश्वर ने, सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। इनके साथ इनकी फिल्म अर्धांगिनी भी की थी मैंने, वो भी इन्होंने एक एक्चुअल जो जीतू जी के ज़माने की फिल्म में हुआ करती थी, मांग भरो सजना जुदाई, उस समय जीतू जी जो फिल्म एक साउथ का पैटर्न था, इन्फ्लुएंस उनका था उन कहानियों का, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन वो कहानियाँ हमेशा अच्छी लगती हैं, कुछ प्लॉट हैं जो रिपीट में भी अच्छे लगते हैं, और धांगनी का प्लॉट अच्छा प्लॉट था, कल्चर था पूरा, कल्चर की गुंजाइश थी पूरी उसमें। इन्होंने उसमें शायद करवा चौथ भी, करवा चौथ को भी प्रॉपर यूज़ किया था। इत्तेफाक से करवा चौथ के गाने में मुझे भी मिल गया था थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी ज़मीन मेरी भी थी उसमें, मैं भी अपनी पत्नी के साथ करता हूँ। तो रामचंद्र जी अब ये समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ये फिल्म भी जो इन्होंने लिखी है उसमें कुछ ट्रैक बहुत अच्छे हैं, वो हम नहीं खोल सकते, बट ये सिर्फ ठाकुर या हवेली की या गरीब अमीर की कहानी नहीं है। कहानी कहीं ना कहीं हमें अपने संस्कारों की ओर वापस ले जाती है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस किरदार को, मैं इसमें विलेन नहीं हूँ, मैं विलेन समझ के प्ले नहीं करता, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई किरदार विलेन समझ के नहीं करता। ये एक इंसान है जिसको चाहता कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो, और हम दोनों भाई हैं, हमारी इच्छा है कि हमारी बहन की शादी अच्छे घर में हो। तो अगर कोई भाई ये चाहता है कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, अच्छा लड़का मिले, तो ये क्राइम थोड़ी है। हाँ, चूँकि हीरो प्यार करता है बहन को, तो हीरो के साथ ऑडियंस होती है, इसलिए हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि नायक के मार्ग में हम खल उत्पन्न करते हैं, इसलिए खल नायक। ये सवाल अच्छा है कि कहीं आपकी कोई पुरानी मोहब्बत या छुपे हुए जज्बात तो नहीं है जो आपने उड़ेल दिए हैं पूरे इसमें? दरअसल वास्तविकता कहीं ना कहीं से, या हमारे ऊपर हो चाहे कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ तो देखता ही है एक लेखक, और कहीं ना कहीं महसूस करता है, वहीं से खींच के लेके आता है। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ी होती है, बस उसको उसके साथ इमोशन अटैच होना चाहिए, उससे लगे कि हाँ इसमें मेरा जुड़ाव हो और ये आम जनों को प्रभावित करे। कहानी तो बस एक लाइन में ही होती है, बाकी जुड़ाव हो उससे ज़्यादा यही मैटर करता है। जी, सूरज जी के लिए किस तरह से कहानी सोचते हैं? सूरज जी के लिए स्पेशली कोई कहानी नहीं सोचा जा सकता है। हाँ, कहानी हम सोचते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन फिट बैठता है,
तो जब तक ये सूरज जी अगर इसमें जस्टिफाई कर रहे हैं तो आते हैं इसमें और तभी अच्छा लगता है नेचुरली कि जो जहाँ जैसे फिट बैठे। जैसे कि आप ढेर सारे फिल्में किए हैं, अक्सर सुनने में आता है काम में मोमन की डायरेक्टर और फिल्म राइटर के बीच में हमेशा कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ कुछ होता है, तड़क भड़क होती है, उनकी थॉट अलग इनकी थॉट अलग। इस फिल्म में जो है क्या आपको देखना राइटर ने जो वो या तो तब होता है जब राइटर डायरेक्टर की पसंद का नहीं होता, प्रोड्यूसर ने लाके थोप दिया कि यह स्क्रिप्ट भाई यही के करे के बाद डायरेक्टर फिर तो डायरेक्टर बदला निकालता रहता था अभी राइटर से ये क्या लिख दिया है ये क्या कर दिया। मगर मुझे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि चंदन कोई बदला ले रहा है इनसे, मतलब चंदन इनको पसंद करते हैं और ये कूल डायरेक्टर है, ये जिद्दी डायरेक्टर नहीं है कि नहीं तो कोता नहीं करिएगा। कुछ डायरेक्टर राइटर जिद्दी होते हैं कि आपने तो कोता कर दिया तो कोता क्यों कर दिया, मैंने लिखा था तो बोला जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन बना रहता है दोनों में अच्छा बना रहता है कोई चीज़। हम मैंने भी कल एक सीन के बारे में बोला, इन्होंने तुरंत उसको चेंज किया, सीन नहीं चेंज करवाया मैंने, डायलॉग्स मैंने कहा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं मेरे लिए, इन्होंने तुरंत एग्री किया और चंदन और ये मिलके किए, तो मुझे लगता है इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जोड़ी जमी। आपने जो सवाल उठाया कि राइटर डायरेक्टर में वो जो होता है वो होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, नहीं पर वो क्रिएटिवली होना चाहिए, क्रिएटिवली होना चाहिए, वो ईगो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वो क्रिएटिवली होना चाहिए, क्योंकि जब होगा तो डिस्कशन होने के बाद में और अच्छी चीज़ें बन के निकल निखर के आए, वो जरूरी है। पर ये अग्रेसिव नहीं होता है हमारे यहाँ पे, लड़ने झगड़ने वाले डायरेक्टर राइटर नहीं है, एक कूल डायरेक्टर राइटर है और एक कूलली बात को समझते हैं और उसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। स्वभाव के भी वैसे ही है ये हम लोग इतना प्यार दे रहे हैं शुरू से, हाँ हमें लगता है कि हम लोग कर रहे हैं सब बहुत बड़ा चीज़ हम कर रहे हैं। रिजल्ट तो आती है जब पर्दे पर फिल्में आएगी। रही बात निर्माता की, तो निर्माता भी वही जिम्मेवारी मुझे दे देते हैं और जब मैं सेट पे रहता हूँ तो लगता हूँ कि भाई निर्माता तो अभी मैं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको 100% मुझे निभाना है, अब चाहे जैसे निभाना है। बहुत सही आपने कहा। बहुत कूल आप नजर आ रहे हैं, जब भी देखते हैं अक्सर जो है बहुत टेंशन रहता है, लेकिन आप जब समय आ जाएगा नहीं। कुछ ऐसे लोग हमारे टीम में हैं जैसे आशुतोष जी हैं और लोग हैं, तो वो लोग हमको ही खुद रिलैक्स कर देते हैं, कुछ बर्डन हमारी वो खुद ले लेते हैं और वो लोग खुद संभालते रहते तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। हाँ, यूनिट आने के पहले मुझे ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं कहाँ क्या करना होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ जाएगा, ये टेंशन होती है। संजय भैया आप बहुत चमक रहे हैं, ब्लीचिंग व्लीचिंग करवा के आए हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.